हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को हेमिटोरिया की होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। हेमिटोरिया क्या होता है? हेमिटोरिया इज़ द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ब्लड इन द यूरिन, इज नोन एज हेमिटोरिया। मतलब यूरिन में ब्लड आ जाना, जब भी यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो अगर ब्लड आते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड हेमिटोरिया। इट इज़ नॉट द मेजर कंडीशन। सम ऑफ द रीज़न फॉर हेमिटोरिया, मेन कॉजेज ऑफ UTI infection, glomerulonephritis, kidney systematic disease, bleeding disorder, appendicitis, tuberculosis and lot of more reasons and causes this condition, hematuria. इन सब कारणों की वजह से यूरिन में ब्लड आ जाते हैं। कभी कभी किसी को स्लाइट ब्लड आता है, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि किसी इन्फेक्शन हो जाते हैं तो क्योर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, या 2-3 डेज में आते हैं तो भी मेडिसिन लेने के बाद वो क्योर हो जाते हैं। पर जिनको पर डे या स्पेसिफिक टाइम पे हेमेटोरिया की कंप्लेन होती है, यूरिन पास करने के लिए जाते हैं, ब्लड आते हैं, दैट मीन्स इट्स क्रोनिक कंडीशन कि बॉडी में सिस्टमेटिक कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से यूरिन में ब्लड आ रहा है। बहुत सारे कारण होते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ इनके साइनिंग सिम्टम्स क्या होते हैं हेमेटोरिया के। फीवर, फैटिगो, एब्डोमिनल पेन, जैसे कि बताया यूरिन में ब्लड आते हैं, डायसूरिया, पेनफुल यूरिनेटिंग, जब यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो बहुत ही क्रिटिकल पेन होता है और पेन इंक्रीज हो जाते हैं, बर्निंग सेंसेशन होता है, ईचिंग होती है, ऐसे साइनिंग सिम्टम्स होते हैं। हेमिटोरिया की होम्योपैथिक जो मेडिसिंस है वो कम्प्लीटली क्योर करती है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। बट जो मैं अपने वीडियोज़ में जो मेडिसिंस बताते हैं ये कॉमन मेडिसिंस रहती हैं, इनको आप यूज़ करके बेनिफिट्स ले सकते हैं, 50-60% इम्प्रूव करती है। अगर आपको कोई भी अदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जनरली वायर इन्फेक्शंस की वजह से आपको हेमेटोरिया की कंपेन है और जो मैंने सिम्टम बताए हैं इसके अकॉर्डिंग है, तो आप ये मेडिसिन यूज़ करके आप 101% भी क्योर हो सकते हैं। बट अगर कोई सिस्टमेटिक डिसीज़ है तो आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए जिससे कि आप परमानेंट क्योर हो सकें, ठीक है। होम्योपैथी मेडिसिन में डाइट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना मस्ट है। आप जब ट्रीटमेंट में आपको क्या नहीं खाना है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, पिकल्स को अवॉइड करना है, गार्लिक, जिंजर, ओनियन, इन सबको अवॉइड करना है, एक्सेसिव स्वीट, एक्सेसिव सॉल्ट, ज़्यादा नमक और ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना है, एक नॉर्मल डाइट फॉलो करनी है। और इनकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो 2 मेडिसिन है, वो साथ में यूज़ कर सकते हैं आप, एक बायोकेमिक है, एक पोटेंशियल है। तो फर्स्ट है फेरम फर्स्ट 6x 2 टैबलेट्स 3 times a day फॉर 4 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं, 2 टैबलेट्स मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। कैंथरिस 30 पावर में 2 times a day फॉर 4 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग 4 पिल्स, एम्प्टी स्टमक एंड आफ्टर फूड नाइट 4 पिल्स यूज़ कर सकते हैं। ये 2 मेडिसिन है, इन 2 मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। अदर होम्योपैथिक मेडिसिन जो हेमिटोरिया के हैं वो डिपेंडिंग ऑन कॉजेज एंड साइनिंग सिम्टम है हेमिटोरिया ट्रीटमेंट। तो आपको हेमिटोरिया से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं या कोई अदर डिसीज़ के कारण हेमिटोरिया की कंप्लेन है, यूरिन में ब्लड आ रहा है और बहुत टाइम से आ रहे हैं, आप कन्वेंशनल ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं पर ट्रीट नहीं हो रहा, तो एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कन्वेंशनल मीन्स एलोपैथी इंग्लिश मेडिसिन, तो आप होम्योपैथी साथ में यूज़ कर सकते हैं, आयुर्वेदा के भी साथ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रीट नहीं हो रहा है तो आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई वरीड होने की टेंशन नहीं है, आप बहुत बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप यूज़ करिए और आपको रिलीफ भी 101% आते हैं साथ में यूज़ करने पर। और हेमिटोरिया से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।